नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले AIV में आने वाले इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम। ठीक है दोस्तों, ये हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लीगल द मैक्सिम ये है, एक्टस नॉन फैसिटरियम निसि मैंस सिट रिया। एक्टस नॉन फैसिटरियम मैंस सिट रिया का क्या तात्पर्य है, ये क्या कहता है। ये पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया था। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि मैंस रिया के बारे में बता रहा है, मतलब कि जब तक बंदे के दिमाग में कोई क्राइम नहीं आएगा, जब तक वो अपने दिमाग में कोई ऑफेंस नहीं सोचेगा करने के बारे में, कोई बेईमानी या चोरी करता, चोर तो चोर के दिमाग में आता है बेईमानी करनी है, तो एक तरह से नियत बेईमानी की बन जाती है, तो वो क्या है, वो मैंस रिया माना जाता है। ठीक है, जब तक दिमाग में नहीं आएगा तो कैसे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलम प्रोहिबिटम का क्या मतलब है, मैलम प्रोहिबिटम मीन्स क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका आंसर है इनोसेंट बट मेड पनिशेबल बाय स्टैचूट, निर्दोष परंतु परिनियम ने दंडनीय बना दिया है। ठीक है, निर्दोष है परंतु पनिशेबल है, यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट मीन्स, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है ए, इसका आंसर है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि की जानकारी न होना कोई माफी नहीं है। मतलब कि ये बोलता है दोस्तों, जैसे कि ए है, ए ने चोरी कर ली, ए को कोई सामान मिला, ठीक है, मतलब उसने चोरी उठा लिया, तो वो एक तरह चोरी समझी जाएगी, बी का सामान उठा लिया। अब उसने बोला कि ये मुझे पता नहीं था कि चोरी करना एक गुनाह है, चोरी करना मतलब एक क्राइम है, तो ये माना नहीं जाएगा। अगर तुझे नहीं पता तो फिर भी तुझे मानेंगे, ठीक है, तुझे एक्यूज मानेंगे, तो ये कोई बहाना नहीं बना सकता कि मुझे, जैसे किसी का मर्डर करते हैं तो मुझे कि मर्डर करना एक गुनाह है, वो है मुझे नहीं पता था, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो है सेक्शन सेक्शन आप 76 ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ क्वाड नेसेसिटी सेट नॉन हैबिटेट लिगम, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, इसका मतलब है डी, इसका आंसर है सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण। ठीक है, आत्म संरक्षण जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपिक्स, प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपिक्स किससे रिलेटेड है। डोली इन कैपिक्स दोस्तों सेक्शन 82 से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो इससे पहले जो सेक्शन मैंने करा, ये जो है ये, ठीक है, ये मैक्सिम जो है, ये डॉक्ट्रिन है, ये जो है सेक्शन 80 से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये मैं बताता हूँ, ये सेक्शन 82 है। इसका आंसर क्या है, 82 है। ये डोली इन कैपिक्स का मतलब होता है कि कोई अपराध नहीं माना जाएगा जो 7 वर्ष से कम का बच्चा करता है, 7 वर्ष से कम का बच्चा करता है, कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ IPC इज बेस्ड ऑन मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन करेट लैक्स। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है, मतलब कोई छोटा मोटा जो किसी ने थप्पड़ मार दे, घुसन, ठीक है, गुस्सा मार दिया, तो वो छोटा मोटा जो है बिल्कुल ही उसको हम कोई क्राइम नहीं मान सकते हैं। तो ये जो है, ये कौन से सेक्शन, स्लाइट हार्म की बात करता है बिल्कुल ही, तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, इसका मतलब जो इंडियन जो एविडेंस एक्ट है वो क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट दोस्तों लैक्स लैक्स फोरी है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है बीस का आंसर है लैक्स फोरी है, लैक्स फोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्स लोसी का क्या अर्थ होता है, लैक्स लोसी का अर्थ होता है बीस का आंसर है लॉ ऑफ लैंड, देश की विधि, देश की विधि को हम लैक्स लोसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन फॉलोइंग द इंडियन एविडेंस रेस जेस्टे का सिद्धांत, रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो कौन से सेक्शन में बताया गया एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 6 में है। सेम ट्रांजेक्शन क्या है, सेम ट्रांजेक्शन लिखा होगा उसके अंदर, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन को रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि भाई ए है, ए बी सी, ए क्या है, ए ने बी को मारा, ए ने बी पर गोली चला दी और सी वहाँ पर खड़ा है, सी देख रहा है, तो ये एक तरह से तो क्या है, ये विटनेस का पार्ट बन जाएगा एक तरह से, तो रेस जेस्टे का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई एंड अदर उपस्थिति
ये कौन से सेक्शन में, ये जो सेक्शन है 11 के अंदर बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11, ठीक है, भारतीय साक्षर अधिनियम के धारा 11 में बताया गया है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है, किसके ऊपर बर्डन होता है, ये होता है एक्यूज्ड के ऊपर, भाई जैसे ए ने बी के ऊपर वो बोला, ए ने बी के ऊपर बोला कि तुमने वहां पे चोरी करी थी, तो अगर बी ये बोलता है मैं तो वहां पे था ही नहीं उस दिन, तो मैं मुंबई में था, तो ये एक्यूज्ड ही बता सकता है कि मैं उस दिन वहां पे था, तो जगह दूसरी जगह बताना तो प्ली ऑफ एलिबाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सक्वेंट फैक्ट्स, पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से क्या, कौन से सेक्शन में बताया गया, ये जो है सेक्शन 27, ठीक है, ए इसका हो जाएगा सेक्शन 27, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पे बोला मेटेरियल फैक्ट्स जो है वो कौन से किस में बताया गया है, तात्विक तथ्यों जो है जिन पर एक पक्ष का निर्भर करता है, किस में बताया गया है, फैक्टा प्रोबेंडा, ठीक है, फैक्टा प्रोबेंडा ये बताया गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट कौन से सेक्शन बताया गया, रेस इप्सा लोक्वेटर, ठीक है, रेस इप्सा लोक्वेटर कौन से सिद्धांत, मतलब कौन से सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है, दोस्तों कौन से सेक्शन बताया गया, सेक्शन 106 में, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, रेस इप्सा लोक्वेटर, इसका मतलब होता है कि किसी किसी प्रकार के कोई भी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, 106 सेक्शन में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिम है सेलस पॉपुली सुप्रेमा लैक्स, क्या क्या मतलब है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लैक्स का जो है, ए इसका आंसर हो जाएगा, वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीमा लैक्स, जन कल्याण सर्वोच्च विधि है, जन कल्याण एक सर्वोच्च विधि है ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप वेयर, ठीक है, रिपेमेंट बिगेंस, प्रत्यास्थापन रुक जाता है जहां पूर्ण भुगतान आरंभ होता है, यह किस सिद्धांत या सिद्धांत किसके विरुद्ध लागू होता है, ये सिर्फ केवल ये जो है केवल माइनर्स, ठीक है, ओनली अवश्यक जो माइनर्स होते हैं उनके ऊपर ही लागू होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कॉन्सेंस एड इडेम, ठीक है, एक ही बात पर एक ही अर्थ में मैथक्य का क्या अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा एग्री विथ सेम थिंग्स एंड सेम सेंस, सेम थिंग्स एंड सेम सेंस से ही बात की गई है, ठीक है, अब इसी का एक सेम क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्क का मिलन, मस्तिष्क का मिलन ही सेम थिंग सेम माइंड बोला जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एस्ट फैक्टम का क्या मतलब है, नास्तिक तथ्य का अभिभावक का क्या तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इन इग्नोरेंस अनभिज्ञता में, बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पे अभी लिखा है कि इन पारी डेलिक्टो सब दोष, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है दोस्तों इन केस ऑफ इक्वल फॉल्ट ऑफ गिल्ट, मतलब कि समान दोष या त्रुटि होने पर, ठीक है, इसका मतलब होता है दोनों पक्षकार दोनों तरफ से दोनों पक्षकारों की तरफ से कोई गलती हो जाती है तो जो संविदा होते हैं वो शून्य हो जाती है, ठीक है, संविदा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द डेलीगेटस डोंट प्रोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटस डोंट प्रोटेस्ट इसका क्या अर्थ है, इसका आंसर है दोस्तों बी इसका आंसर है, ठीक है, बी इसका आंसर है, डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड, प्रतियोजित शक्तियों को आगे प्रतियोजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब है, तो अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यक्ति स्वामी का कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है तो वह स्वयं उस कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वामी द्वारा कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है तो वह स्वयं उस कार्य को करने के लिए कोई दूसरे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है, ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दे, आई होप अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले।